हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मेडिकल कॉलेजों में कैजुअल्टी को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में किया जाएगा स्तरोन्नत। अवैध भवन निर्माण करने पर और सख्त हुई हिमाचल सरकार, छीनेंगी मूलभूत सुविधाएं। एक राज्य एक पोर्टल प्रणाली से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी शहरी निकायों की सभी सेवाएं। जयराम बोले, आपदा में बागवानों का भी ध्यान रखे सरकार, सड़कें बंद होने से हो रहा नुकसान। आज और कल बंद रहेगा मंडी पंडोह के बीच नेशनल हाईवे, 6 मील के पास पहाड़ी से गिर रही चट्टाने। भूस्खलन से ननखड़ी पांडाधार सड़क का 50 मीटर हिस्सा गायब। खड्ड में गिरी कार, 3 की मौत। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में कैजुअल्टी विभाग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के कैजुअल्टी विभाग को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में स्तरोन्नत किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य आवश्यक स्टाफ संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। इस संबंध में शीघ्र मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना वर्तमान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश में अवैध भवन निर्माण करने वालों पर सरकार सख्ती से पेश आएगी। शिकायत मिलने पर इन लोगों की बिजली पानी समेत तमाम मूलभूत सुविधाएं छीन ली जाएंगी। नक्शा पास करवा कर ही भवन का निर्माण करना होगा। इसके लिए भवन निर्माण संबंधित इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। हिमाचल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ आने से कई लोगों के मकान ढह रहे हैं। नगर नियोजन विभाग शहरी निकाय को इसकी निगरानी करनी होगी। अगर कोई ठेकेदार बिना लाइसेंस व नक्शा पास किए लोगों के भवनों का निर्माण करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सीएम सुक्खू ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत एक राज्य एक पोर्टल प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास विभाग की आज यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर भी बल दिया ताकि लोगों को कार्यालयों के बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। उन्होंने संपत्ति कर, बिलों का भुगतान, नोटिस प्रबंधन, सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र और स्वीकृतियों इत्यादि को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इससे लोगों को तत्काल सेवाएं उपलब्ध होंगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी न्यून होंगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा की वजह से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। इस आपदा में किसानों और बागवानों को भी बहुत नुकसान हुआ है। लोगों के बगीचों में नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें खेतों में बर्बाद हो गए हैं। जो बच रही हैं वह सड़कें खराब होने की वजह से मंडियों में नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से किसानों और बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समय मंडियों में आने वाले सेब की सेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए सड़कें ना खुलने से इनके भी खराब होने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी सड़कों को सही करवा कर यातायात बहाल करवाए, जिससे बागवानों और किसानों के उत्पाद आसानी से मंडियों में पहुंच सके। मंडी से पंडोह नेशनल हाईवे 6 मील पर दोबारा चट्टाने, पत्थर व मलबा गिरने के कारण बंद हो गया है। यह स्थान बहुत खतरनाक बन चुका है, जिसमें बड़ा हादसा होने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसे देखते हुए प्रशासन ने आज और कल मंडी पंडोह के बीच NH यातायात के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान वाहन चालक नेरचौक पंडोह वाया चैलचौक मार्ग और मंडी कटोला बजौरा मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। ASP मंडी सागर चंद्र शर्मा ने बताया कि NH पर 6 मील बहुत भारी मात्रा में बड़ी बड़ी चट्टाने तथा बोल्डर पहाड़ की 70 से 80 डिग्री की ढलान पर अटके पड़े हैं, जो अचानक नीचे NH पर गिर रहे हैं। इसलिए खतरनाक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है।
भूस्खलन से क्षतिग्रस्त ननखड़ी पांडाधार सड़क पर शरणढांक में सोमवार रात एक कार अनियंत्रित होकर भद्राश खड में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शवों को खड से निकाला। बताया जा रहा है कि पांडाधार में शिव मंदिर के पास सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा गायब हो गया है। भूस्खलन के बाद सोमवार रात को यहां कार अनियंत्रित होकर खड में गिर गई। मृतकों की पहचान वीर सिंह ठाकुर पुत्र प्रताप सिंह गांव वनोला ननखड़ी, हिम्मत सिंह पुत्र सवीरदास व रतन सिंह पुत्र हरि सिंह के रूप में हुई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।